बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? बच्चों, हम लोग फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम किंगडम मोनेरा है बच्चों, और जिसके मेंबर्स बैक्टीरिया हैं, सारे के सारे बैक्टीरिया इसी किंगडम के मेंबर्स हैं, और हम इसको बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। बड़ी डिटेल से हम लोगों ने 3 लेक्चर्स में बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। तो बच्चों, आज हमारा जो फोर्थ लेक्चर होगा, अवर फोर्थ लेक्चर बेसिकली इज़ ऑन न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर हमें पता चल गया हो, सबसे बाहर सेल वॉल, ठीक है, और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों फिर आगे उसका डीएनए, राइबोसोम्स, और फिर बैक्टीरिया के सेल के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स जिसको आपने पाइलाई या पिल्ली पढ़ा होगा, और वो अटैचमेंट में और सेक्स प्रोडक्शन में वो काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि उन स्ट्रक्चर्स की मदद से बैक्टीरिया का मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेता किस तरह से है। तो बच्चों, हमारी बुक में न्यूट्रिशन को डिफाइन नहीं किया हुआ, डायरेक्ट बताया हुआ है कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बच्चों, हम सारा टॉपिक पढ़ लें और फिर हमसे टीचर क्वेश्चन करे व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और हमें पता ना हो, तो ये बड़ी शर्म वाली बात होगी हमारे लिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम न्यूट्रिशन को डिफाइन कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन है क्या। बच्चों, एक लफ्ज़ है फूड, एक लफ्ज़ है बच्चों फूड। फूड किसको बोलते हैं? आप लोगों को अभी यही डिफाइन नहीं करना आएगा कि व्हाट इज़ फूड। तो बच्चों, फूड एक ऐसा मटेरियल होता है जिससे हम अपनी डेली की नीड्स पूरा करने के लिए उसको हम ईट करते हैं, वो भी फूड है। बच्चों, हम ड्रिंक करते हैं, वो भी फूड है। किसी ना किसी तरीके से हमें वहाँ से एनर्जी हासिल, मेरे वो सोर्स जो होता है, इट्स अ फूड। तो वो फूड बच्चों डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने कोई एप्पल खाया है, उसमें ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट्स है, तो बच्चों क्या आपकी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली से बन जाता है? नहीं, वो एक प्रोसेस के ज़रिए से बनता है, एक पूरे प्रोसेस के ज़रिए से, जिसके ज़रिए से बच्चों आपका खाया हुआ खाना इनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वो इनर्जी हमें अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करने के लिए हमारी हेल्प करती है, हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, हम दिन ब दिन बढ़ते हैं। तो बच्चों, वो सारे का सारा प्रोसेस जिसमें हम फूड को इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ करें, रिप्रोडक्शन करें, अपनी हेल्थ को मेंटेन करें, इट्स अ न्यूट्रिशन। देन वी कम टू अ डेफिनेशन। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस, ऐसा ये अमल है बाय विच बॉडी, जिसके ज़रिए से बच्चों बॉडी इस्तेमाल करती है फूड को फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो बच्चों, इसी तरह जैसे हम लोग बॉडी के लिए खुराक खाते हैं, तो बैक्टीरिया भी अपनी बॉडी के लिए बच्चों खुराक खाते हैं। क्यों? बैक्टीरिया को एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज बैक्टीरिया आल्सो ग्रो, बैक्टीरिया भी ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया आल्सो रिप्रोड्यूस, बच्चों बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस भी करते हैं, बैक्टीरिया आल्सो मेंटेन देयर हेल्थ। तो बच्चों, ये अपनी हेल्थ का भी बड़ा ख्याल रखते हैं, तो इसलिए इनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। आई होप आपकी बेस बनी होगी बच्चों यहाँ से। तो फिर आगे हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में बच्चों ये कितनी तरह के बैक्टीरिया होते हैं। मेन हमारे पास बच्चों 2 तरह की कैटेगरीज हैं न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में, एक ऑटोट्रॉफ है और दूसरा हेटरोट्रॉफ है। तो बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स वो बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को खुद बना सकते हैं। बच्चों, ये लफ्ज़ है ऑटो, जैसे ऑटोमेटिक मशीन नहीं होती कि खुद ब खुद, तो बच्चों ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो सेल्फ। तो ट्रॉफ, ट्रॉफ बच्चों बोलते हैं फूड को, किसको? फूड को। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक को, यानी ये फूड है जो अपनी खुद फूड को खुद बनाए, दीज आर द ऑटोट्रॉफ्स। ये मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करूँगा बच्चों। तो हेटरोट्रॉफ बैक्टीरिया आर दोज विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक हो गया। हेटरो बच्चों, हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट या फिर अदर, ठीक है, अदर। और ट्रॉफ आप लोगों को पता है, इट्स अ फूड।
तो अब यहाँ पर क्या मतलब बनेगा कि हेटरोट्रॉफ्स आर दोज बैक्टीरिया विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर न्यूट्रिशन, दीज आर द हेटरोट्रॉफ्स। और बच्चों ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ्स आप लोगों ने मैट्रिक में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। तो ये ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया हैं, ये खुद ब खुद अपनी खुराक बना सकते हैं। लेकिन बच्चों खुद ब खुद अपनी खुराक को कैसे बना सकते हैं, इनके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स हैं और एक कीमो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो बच्चे फोटो ऑटोट्रॉफ्स और कीमो ऑटोट्रॉफ्स ये आपके क्या जहन में आता है? शाबाश, फोटो का मतलब क्या होता है? ये फोटो है, ठीक है, ये बच्चों जो आप स्टूडियो में जाके खिंचवाते हो वो फोटो नहीं है, इस फोटो का नाम है लाइट। क्या? लाइट। और ऑटो आप लोगों को बच्चों पता है सेल्फ, और ट्राफ फूड होती है, इधर मैं लिखूंगा नहीं, स्पेस कम है। तो बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जो लाइट का इस्तेमाल करते हुए अपनी खुराक को खुद बनाएं, दीज आर द फोटो ऑटोट्रॉफ्स। तो बच्चों डेफिनेशन आप बना लो, द बैक्टीरिया विच प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, दीज आर द फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अंडरस्टैंड? तो कीमो ऑटोट्रॉफ्स, बच्चों कीमो फ्रॉम केमिकल, कीमो फ्रॉम केमिकल, ये कोई भी केमिकल हो सकता है। जब बैक्टीरिया किसी केमिकल को लेकर सेल्फ खुराक ऑटो फूड, जब बैक्टीरिया केमिकल की मौजूदगी में अपनी खुराक को बना रहे हो, तो बच्चों दीज आर द कीमो ऑटोट्रॉफ्स, बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग सम सॉर्ट ऑफ द केमिकल, इट इज कॉल्ड कीमो ऑटोट्रॉफ। ओके बच्चों, ये आप डेफिनेशंस वीडियो को रोक कर या वीडियो को आप बैक करके अपनी नोटबुक पे एज अ असाइनमेंट इसको लिख सकते हो, अपनी बुक पे लिख सकते हो, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ठीक हो गया। तो बच्चों मैंने कहा था कि ऑटोट्रॉफ दो तरह के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। तो बच्चों हेटरोट्रॉफ भी दो तरह के हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी खुराक बना नहीं सकते, नकम्मे बैक्टीरिया, ये दूसरों से लेते हैं, तो ये भी दो तरह के हैं, एक सेप्रोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ को बच्चों सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया भी बोला जाता है, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बच्चों डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं और वहाँ से क्या लेते हैं, खुराक लेते हैं, इसकी डिके करते हैं और डिके करके यहाँ से फूड हासिल करते हैं। ये भी मैं आपसे डिटेल में अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चौथे नंबर पर यानी ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, हेटरोट्रॉफ्स दो तरह के हैं, एक सेप्रोफाइटिक यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिके करके, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर बच्चों किसी भी प्लांट या एनिमल का हो सकता है, ठीक है, प्लांट या एनिमल का हो सकता है, इधर मैं लिख देता हूँ, प्लांट या फिर एनिमल का डेड मैटर हो सकता है, यानी कि प्लांट के पत्ते गिरे हैं बच्चों, पत्तों में ग्लूकोज होता है, तो बैक्टीरिया उसको तोड़ फोड़ करेगा और वहाँ से ग्लूकोज लेगा। तो इसी तरह एनिमल है, एनिमल में किसी ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है, तो ये बैक्टीरिया वहाँ पर जाकर उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, इसको सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया बोला जाता है, यानी दूसरों से फूड लेते हैं। तो पैरासाइट, पैरासिटिक बैक्टीरिया, अब क्या जहन में आता है बच्चों, पैरासिटिक है फ्रॉम पैरासाइट। ये पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच्चों जो बॉडी के ऊपर रहें और बॉडी को क्या करें, हार्म करें, बॉडी को नुकसान दें। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक पैरासाइट है। बैक्टीरिया क्या है? पैरासाइट है, यानी जो बॉडी के अंदर रहे और नुकसान दे। तो बैक्टीरिया बॉडी को हार्म कर सकते हैं क्योंकि ये पैरासाइट है। तो ये किसी ना किसी तरीके से बच्चों फूड ले लेते हैं, बनाते नहीं, तो ये दूसरी काइंड है हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में इसी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया मैंने कहा दो तरह के हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ और दूसरा कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक हो गया। ये देखिए बच्चों, फोटो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में जो खुद ब खुद खुराक बना सकते हों, अब हम उसकी थोड़ी सी डिटेल देखेंगे। तो बच्चों याद रखना, याद रखना, जब भी ऑटो खुराक बनाने का तरीका आए, यानी कि जब भी ऑटोट्रॉफ का लफ्ज़ आए, तो वहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो प्रेजेंट होगी, उसके बगैर बच्चों चारा ही नहीं। वो चीज़ क्या है? इट्स अ क्लोरो फिल। जिस तरह बच्चों प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ नहीं बोला जाता, क्यों बोला जाता है?
पूरी दुनिया कहते हैं कि प्लांट से अपनी एनर्जी हासिल करती है, दीज आर ऑटोट्रॉफ्स। तो बच्चों इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, तो बिल्कुल इसी तरह बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल होता है। लेकिन एक डिफरेंस है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, किससे, फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम प्लांट क्लोरोफिल। ये बच्चों क्लोरोफिल जो है ये प्लांट के क्लोरोफिल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। काफ़ी सारी डिटेल है, वो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता अभी टाइम के मुनासबत से, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट भी बच्चों इतना ही है। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल तो हो उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ। अब क्लोरोफिल होगा तो बच्चों इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते होंगे। किसका अमल करते होंगे बच्चों, शाबाश, वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते होंगे। फोटोसिंथेसिस, लें जी अब तो ये बहुत मुश्किल टर्म मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब बच्चों, फोटो का मतलब शाबाश लाइट, सिंथेसिस का मतलब किसी चीज़ का बनाना, प्रिपेयर करना। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल है उनको ऑटोट्रॉफ बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लाइट की मौजूदगी में कुछ प्रिपेयर करते हैं। कुछ क्या प्रिपेयर करेंगे बच्चों, वो अपनी फूड को ही प्रिपेयर करेंगे। और बैक्टीरिया की फूड क्या होती है, ग्लूकोज होती है, C6H12O6। तो बच्चों हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था कि ये देखिए फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन है, हमने पढ़ा था कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलों, 6 वाटर के मॉलिक्यूलों, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6, C6H12O6। तो बच्चों आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है, ये ग्लूकोज है, इसके साथ क्या बना करता है, ऑक्सीजन, क्या बनता है, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट, अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर नहीं आता, वाटर नहीं आता, तो फिर क्या आता है बच्चों, यहाँ पर कोई केमिकल कंपाउंड आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S, इट्स अ हाइड्रोजन S बच्चों सल्फाइड, सल्फाइड। तो ये भी लाइट की मौजूदगी में और क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद है, ये बनाएंगे क्या बच्चों, ग्लूकोज, क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। और ग्लूकोज आप लोगों ने बच्चों परेशान नहीं होना, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि CN, ठीक है, वाटर, उसके नीचे N लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स का जो और जनरल फार्मूला होता है वो यही होता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वाटर की वजह से कार्बोहाइड्रेट के साथ ऑक्सीजन बनती है प्लांट में। तो यहाँ पर बच्चों जब वाटर है ही नहीं, क्या है, सल्फाइड है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के साथ बच्चों सल्फाइड बनता है, क्या बनता है, सल्फाइड एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाती है, ओके। तो आगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बच्चों ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल इस्तेमाल करें, जैसे अमोनिया, ठीक है, NH3, ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया केमिकल की मौजूदगी में खुराक को तैयार करते हैं, मतलब बच्चों ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। जैसे ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये अमोनिया, इस ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनेगा NO2, यानी NO2 बच्चों पॉजिटिव, और साथ में इसके हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी कि ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया डिफरेंट तरह के केमिकल्स कंपाउंड को लेते हैं, अमोनिया को लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड को लेते हैं, नाइट्रेट्स को लेते हैं, नाइट्राइड्स को लेते हैं, काफ़ी सारे कंपाउंड्स आपकी बुक में मेंशन है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्रीफली डिस्कस अबाउट दैट, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर दोज विच यूज केमिकल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस देयर एनर्जी, दीज आर द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
तो बच्चों उसके बाद हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया थे। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में दो तरह के थे, एक सेप्रोट्रॉफिक थे, एक पैरास्टिक थे। इसको हमने सेप्रोफाइटिक भी पढ़ा था। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया में हमने देखा था कि ऐसे बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करें। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करने का मतलब क्या, कि वो प्लांट का भी डेड रिमेन हो सकता है, एनिमल का भी डेड रिमेन हो सकता है। तो अब यहाँ पर ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, आपकी बुक में एक लफ्ज लिखा हुआ है, इट्स अ ह्यूमस। ह्यूमस बच्चों लिखा हुआ है। तो ह्यूमस अगर पेपर में आए तो क्या कहना है, ह्यूमस इज डिफाइंड एज इट इज द डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। ह्यूमस क्या है, इट्स अ डेड ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ऐसे बैक्टीरिया जो बच्चों डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करें, सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक। और पैरासाइटिक बैक्टीरिया में बच्चों ये दोबारा से, पैरासाइट क्या होता है, जो बॉडी के ऊपर रहे या बॉडी के अंदर रहे, बॉडी के इन रहे या फिर बॉडी के ओन रहे, और रहकर क्या करे, हार्म करे। तो जिसमें रहे, ठीक है, जिसमें रहे। फॉर एग्जाम्पल ये पैरासाइट क्या है, एक बैक्टीरिया, ये नुकसान दे रहा है। तो होस्ट हम ले लेते हैं कि ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहे वो होस्ट है, और नुकसान पैदा करे कौन, बैक्टीरिया। तो ऐसे टर्म को बोलते हैं इट्स अ पैरासिटिक बैक्टीरिया। ओके, तो बच्चों रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया बहुत आसान टॉपिक, बहुत। तो बच्चों रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया में, आप लोगों ने रेस्पिरेशन कभी पढ़ी थी जब छोटे थे मैट्रिक में, क्या होती है रेस्पिरेशन, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, बैक्टीरिया होगा, इन विच ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी यानी सिंपल हम कह लें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्ट ऑफ ब्रीथिंग। बच्चों आप लोग सांस लेते हो ना, हम भी सांस लेते हैं, तो सांस लेके हम अंदर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन, शाबाश। तो बैक्टीरिया भी अपने अंदर क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन। तो जब बैक्टीरिया अपने अंदर ऑक्सीजन लेके जाएंगे, ऑक्सीजन को लेके जाएंगे, तो बच्चों ये प्रोसेस जब एक मरतबा ऑक्सीजन अंदर गई और इनहेल किया, मतलब फिर एक्सहेल किया, बाहर निकाला, तो इस दौरान हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो बच्चों ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके, इट्स अ रिस्पिरेशन, हमारे अंदर भी होती है। तो बैक्टीरिया चार तरह के हैं, कितनी तरह के, चार तरह के बैक्टीरिया हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ऐसे बैक्टीरिया भी हैं बच्चों जो ऑक्सीजन के बगैर गुजारा कर लेते हैं, हम अभी देखेंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं बच्चों, एरोबिक फ्रॉम एयर, एयर से मुराद यहाँ पर होगी ऑक्सीजन, क्या होगी, ऑक्सीजन। तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो ऐसे बैक्टीरिया जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंस हो और वो रेस्पिरेशन का अमल कर सकें, ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में रेस्पिरेशन करें, उनको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। फॉर एग्जांपल बच्चों एरोबिक बैक्टीरिया की मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूँ, सूडोमोनास, ठीक है, सूडोमोनास ये बैक्टीरिया है, इसकी एग्जांपल, ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। एनारोबिक बैक्टीरिया, शाबाश, एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एन का मतलब होता है बच्चों एबसेंट, एबसेंट क्या, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट, इसमें ऑक्सीजन एबसेंट, और ये ऑक्सीजन एबसेंट में भी बच्चों क्या कर जाते हैं, रिस्पायरेशन कर जाते हैं। तो इन बैक्टीरिया की जो एग्जांपल है, इट्स अ स्पायरोकीट, ये पढ़ा था हम लोगों ने, स्पायरोकीट, ठीक हो गया। तो तीसरे नंबर पे है फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, और बच्चों ये दोनों काम करते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर ऑक्सीजन एबसेंट हो, इनकी सेहत पर कोई असर नहीं,
ये रेस्पिरेशन का अमल कर जाते हैं। तो इसकी अगर एग्जाम्पल देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसको आप ई कोलाई बैक्टीरिया बोलती हो, और ये हमारे ह्यूमन के इंटेस्टाइन में भी बच्चों पाया जाता है, और लाखों बैक्टीरिया ये पाए जाते हैं। तो चौथे नंबर पर बैक्टीरिया है माइक्रो एरोफिलिक। बच्चों माइक्रो, ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, थोड़ी क्वांटिटी, एरो ऑक्सीजन। तो ऐसे बैक्टीरिया जो थोड़ी सी ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो तो रेस्पिरेशन कर जाते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया की एग्जांपल में हम बेस्ट एग्जांपल लिखेंगे, इट्स अ कैम्पाइलो बैक्टर बैक्टीरिया। तो बच्चों ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक बैक्टीरिया, एनोरेबिक बैक्टीरिया, डिफरेंशिएट बिटवीन फैकल्टेटिव माइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। ये एमसीक्यू में वो पूछता है कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, नीचे चार ऑप्शन होंगे, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ एनोरोबिक बैक्टीरिया, नीचे चार एग्जांपल होंगे, व्हाट इज़ द फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, नीचे चार ऑप्शन होंगे। तो इस तरह करके ये एमसीक्यू तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हमारा ये टॉपिक जो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया ग्रो भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। बच्चों ग्रो का मतलब होता है बेसिकली कि इंक्रीज इन बॉडी साइज। जैसे आप लोगों के वालदेन कहते होंगे कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी अब ग्रो कर रही है, बड़ी हो रही है, ठीक हो गया। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि इंक्रीज इन नंबर, कोई समझ आइए। तो बच्चों आपकी बुक में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इकट्ठे ही लिखा हुआ है, और ग्रोथ में लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर। क्या? बैक्टीरिया इंक्रीज इन नंबर, तो वो ग्रोथ में ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि उन्होंने रिप्रोडक्शन का हेडिंग अलहदा से नहीं दिया, इकट्ठा लिखा हुआ है, तो उन्होंने साथ लिख दिया है कि बैक्टीरिया में ग्रोथ का मतलब है कि इंक्रीज इन बॉडी साइज एज वेल एज इंक्रीज इन देयर नंबर्स, ठीक हो गया। यानी कि उसने नंबर्स रिप्रोडक्शन के हवाले से डिस्कस किए हैं, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ये ग्रोथ भी रिप्रोडक्शन ही है। तो खैर, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये अपनी पैदावार को बढ़ाते हैं। वो मेथड कौन सा है? बच्चों आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी थी, बाइनरी फिशन, शाबाश, याद आ गया होगा। तो ये बाइनरी फिशन का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब होता है बच्चों टू, फिशन का मतलब होता है स्प्लिट। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बैक्टीरिया टूट जाए, स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में टूट जाए उसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। तो बच्चों ये कोई आसान स्टेप नहीं होता, एक से दो बैक्टीरिया बनने के लिए पांच स्टेप होते हैं कम से कम। तो वो पांच स्टेप कौन कौन से हैं, चले देखते हैं। बच्चों सबसे पहला जो इवेंट है वो है कि पेरेंट सेल इनलार्ज होता है। ये बच्चों पेरेंट सेल है, ठीक है, ये आपके सामने एक पेरेंट सेल बना हुआ है। ये पेरेंट सेल के बाहर सेल वाल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि ये पहले तो साइज़ में बढ़ेगा, ये साइज़ में बढ़ गया, ठीक है। अब मैं सारा स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा तो बच्चों टाइम ज़्यादा लगेगा, चले मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। ये पहले तो सेल इनलार्ज होगा, बड़ा होगा, ये डीएनए अंदर, ठीक है, ये जो नीला है इट्स अ डीएनए। तो दूसरे नंबर पे बच्चों क्या है, क्रोमोसोम डुप्लीकेट। जब ये इनलार्ज होगा तो बच्चों दूसरी स्टेज में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होंगे, मतलब ये देखें, ठीक है, ये सेल वॉल बाहर सेल मेम्ब्रेन अंदर, और इसके साथ बच्चों यहाँ पर ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट हुए, मतलब एक की दो कॉपियाँ बन गई, दो चीज़ें बन गई। तीसरे नंबर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंक इनवर्ड। तीसरे नंबर पे क्या होगा कि बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन नॉट अ सेल वॉल, ये बाहर वाली सेल वॉल की सेहत पर अभी कोई असर नहीं है, ये वैसे ही है, और सिर्फ होगा क्या कि ये देखें, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनवर्ड पिंक कर जाएगी, यानी इनवर्ड मूव कर जाएगी ऐसे करके, अरे दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डीएनए कितने, दो, तीसरा इवेंट ये हो गया। और चौथे नंबर पे क्या है, न्यूक्लियर मटेरियल जो डीएनए है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत तरतीब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। बच्चों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ये ज़रा और पिंक हुआ, ये ज़रा और पिंक हुआ,
पिंक होने की वजह से बच्चों, यानी कि अंदर दब जाने की वजह से इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे का पूरा एक डीएनए इधर भी, पूरे का पूरा एक डीएनए इधर भी, लाइक पहले सेल की पेरेंट सेल की तरह। ये कौन सा सेल है? पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल की तरह न्यूक्लियर मेटेरियल अर्निवली डिवाइड होगा, पांचवी सेल पे होगा सेल वॉल सेपरेट। अब ये सेल वॉल काम करेगी, सेल वॉल से क्या काम करेगी बच्चों, ये सेल वॉल भी अंदर को पिंक होगी, ऐसे ऐसे पिंक होगी, ठीक है। एक बैक्टीरिया से ये अभी क्या बना देगी, दो बैक्टीरिया बना देगी, और दोनों बैक्टीरिया के अंदर बच्चों अपना अपना डीएनए मौजूद होगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये नीले रंग का डीएनए। तो अब ये जो दो सेल्स बने हैं, दीज आर द डॉटर सेल्स। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने और दोनों बैक्टीरिया अपने पेरेंट सेल के जैसे हों, तो बच्चों इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन, ठीक हो गया। अब कुछ हमारा जो लास्ट बच्चों एक स्लाइड रह गई है, सेकंड लास्ट, इसमें क्या है कि फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया, चार फेजेस होती हैं। एक बच्चों लैग फेज, एक लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और एक डेथ एंड डिक्लाइन फेज। नहीं समझ आई? लैग फेज इन विच नो ग्रो, कुछ ग्रोथ नहीं होती, लेकिन बैक्टीरिया अपने आप को तैयार करता है, ठीक है। सुर्खी पाउडर नहीं लगाता हाँ बच्चों, अपने आप को सेल डिवीजन के लिए तैयार करता है, ठीक हो गया। बैक्टीरिया प्रिपेयर फॉर डिवीजन, किसके लिए? फॉर डिवीजन, यानी कि एक सेल से दो बनाने के लिए वो डिवीजन के लिए तैयार होता है। जैसे ये देखें, अगर मैं ग्राफ अगर शो कराऊँ, ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम गुजरता जा रहा है, ये ग्रो होती जा रही है। तो अगर बच्चों मैं ये दिखाऊं, यहाँ पर सीधी लाइन है, मतलब यहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही। ग्रोथ होगी तो बच्चों ये ऊपर को तरफ, ऊपर की तरफ मूव करनी चाहिए थी, सीधी है, कोई ग्रो नहीं, लैग फेज। तो आगे है लॉग फेज। लॉग फेज में बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है। क्या होती है? मैक्सिमम ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। जैसे आप ये देखें, ये लैग फेज थी, लैग फेज टाइम गुजरा गुजरा गुजरते गुजरते ये फेज आई, जंप कर गए बैक्टीरिया, कहाँ पे गए हैं, यानी कि ये ऊपर को गए हैं, मतलब ये ग्रो कर रहे हैं। तो ग्रो करने वाली फेज होती है इटा लॉग फेज। लॉग फेज, तो लॉग फेज ऐसी फेज जिसमें बच्चों बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट में, यानी कि वेरी हाई रेट में वो क्या कर रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं अपने अपने नंबर्स में, ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे स्टेशनरी फेज। बच्चों स्टेशनरी बोलते हैं लफज साकन को, जो एक जगह स्टिल लो, ठीक हो गया। तो अब ऐसी स्टेज आती है, ऐसी स्टेज आती है बच्चों जहां पर ये बैक्टीरिया का बर्थ रेट और डेथ रेट, इसके आगे मैं लिख रहा हूं, ये समझ लेना, बर्थ रेट और डेथ रेट बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी फेज, ठीक है। जिसमें बच्चों बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट हो, इसको बोलेंगे आप स्टेशनरी फेज। लेकिन अब एक चीज ऐसी आई, टाइम आया कि बैक्टीरिया की मौत वाकई होना शुरू हो गई। अब यहां पर बच्चों इस फेज को जहां पर मौत वाकई शुरू होगी वो होती है डिक्लाइन फेज या फिर डेथ फेज। यानी यहां पर बच्चों क्या होता है कि डेथ रेट, ये साइन किसका होता है, हायर का, किसका, डेथ रेट इज हायर किससे, किससे, शाबाश, बर्थ रेट से, शाबाश। अब डेथ एंड डिक्लाइन फेज में डेथ रेट बढ़ जाता है, हाई हो जाता है, और बर्थ रेट कम हो जाता है। तो इस वजह से इसकी ये चार फेजेस हैं। अब सबसे मज़ेदार बात बच्चों ये, आप लोगों ने आज तक ये पढ़ा कि बैक्टीरिया कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो बच्चों आज मैं आपको बताऊँगा कि बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हाँ, इनमें बच्चों ट्रेडिशनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ट्रेडिशनल इनमें करेक्टरिस्टिक्स तो नहीं होते, यानी मेल और फीमेल तो इनमें नहीं होता, ना कोई मेल होती है ना कोई फीमेल होती है, बस एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पेरेंट सेल। तो इसमें ट्रेडिशनल तो बच्चों कोई स्ट्रक्चर नहीं मेल फीमेल वाले, लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात सोचने वाली है। तो ये आपको मैं हल बताता हूँ बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि फादर और मदर, इन दोनों में मिलाप होता है, और मिलाप होने से इनमें एक्सचेंज होता है किसका, डीएनए का, ठीक हो गया, डीएनए का एक्सचेंज होता है। ये याद रखना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फादर मदर
का मिलाप होकर एक्सचेंज होता है डीएनए। तो बच्चों बैक्टीरिया में फादर और मदर तो कोई नहीं, लेकिन पेरेंट सेल तो हैं। जब दो पेरेंट सेल आपस में मिलें, दो पेरेंट सेल आपस में मिलें और डीएनए एक्सचेंज करें, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बच्चों ये देखें, वन बैक्टीरिया ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल जिसका नाम डीएनए है इन टू अनदर बैक्टीरिया। तो बच्चों ऐसा बैक्टीरिया जो डीएनए दे उसको बोलते हैं डोनर। तो ऐसा बैक्टीरिया जो डीएनए ले उसको क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट। मतलब वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, ठीक है। डोनर देने वाला, क्या देने वाला, डीएनए। रेसिपिएंट लेने वाला, क्या लेने वाला बच्चों, डीएनए, ठीक है। क्योंकि जब डीएनए एक दूसरे से ले लेंगे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर और लेस आ जाएगी। तो बच्चों चलिए मैं फटाफट से आपको बताऊं, ये दो बैक्टीरिया हैं और ये मैंने डीएनए शो किया एक करेट से एक का ब्लू से। इसमें होगा क्या, हम लोगों ने बच्चों अगर आपके जहन में है तो एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसका नाम था पाइलाई, ठीक है, या सिंगल हो तो इसको बोलते हैं पाइलस। तो ये पाइलस जो है बैक्टीरिया के सेल के ऊपर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इनके दो फंक्शन पढ़ा था कि इनका मेन फंक्शन मेटिंग में है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है और दूसरा फंक्शन इनका अटैचमेंट में है। शाबाश, जल्दी से याद आ गया ना। तो अब क्या होगा, ये दोनों बैक्टीरिया बच्चों आपस में पहले तो एक दूसरे के करीब आएंगे, ठीक है, एक दूसरे के करीब आएंगे। ये दूर थे, करीब आए। करीब आने के बाद बच्चों आप लोगों को पता है क्या कि इस बैक्टीरिया पर भी पाइलस है, इस बैक्टीरिया पर भी पाइलस है। मतलब पहला प्रोसेस जो है ये क्या हो गया कि दोनों के पाइलस क्या हो गए, अटैच हो गए। ये सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है, इट्स अ पाइलस, ये पाइलस था, ये अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद इन्हीं पाइलस की बच्चों एक ट्यूब बन जाती है, एक ट्यूब बन जाती है इस तरह से। इस ट्यूब को बोलते हैं इट्स अ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो बच्चों जब कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है अब तो मसला ही कोई नहीं। अब यहाँ पर डीएनए जो था, ये देखें, यहाँ पर जो डीएनए था ये रेड वाला, ये ट्रांसफ़र होता है इसमें। यहाँ पर ऑलरेडी डीएनए मौजूद था, यहाँ पर ऑलरेडी डीएनए मौजूद था। तो ये डीएनए इधर ट्रांसफ़र होगा, कुछ डीएनए इधर बच जाएगा, जैसे ये आपको दिखाया गया है, ये वाला रेड पोर्शन ये इधर बच गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें बच्चों दो डीएनए आ गए, एक इसमें नीला था और एक इसमें रेड था। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो बच्चों अब मैं आपको बताता हूँ कि बैक्टीरिया को इतनी मुसीबत क्यों उठानी पड़ती है। वो इस वजह से कि व्हाट बेनिफिट ऑफ कॉन्जुगेशन, इसका फ़ायदा क्या होता है बच्चों। इसका फ़ायदा होता ये है कि ऐसे बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया था, इसके पास बच्चों हीट रेजिस्टेंट वाले जीन थे। किसके लिए, हीट रेजिस्टेंट, यानी कि ये बहुत ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन इसमें हीट रेजिस्टेंस थी नहीं, इसमें हीट रेजिस्टेंस नहीं थी। तो हुआ क्या, जब इसने कॉन्जुगेशन के प्रोसेस के ज़रिए से अपना डीएनए इसमें ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने से ये वाला जो बैक्टीरिया है ये भी हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हो गया, यानी कि ये भी अब हीट को बर्दाश्त करने लगा। तो इट्स अ बेनिफिट, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है जब बच्चों दो डीएनए आपस में मिल जाएँ, कंबाइन हो जाएं, कॉम्बिनेशन, जब दो डीएनए आपस में कंबाइन हो जाएं। और इसकी फ़ायदा क्या कि इट हेल्प्स इन सर्वाइवल, ये बच्चों हेल्प करें सर्वाइवल में। तो आज तक बच्चों ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। बच्चों टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इंशाअल्लाह आई होप कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। लेकिन फिर भी अगर किसी को समझ ना आए तो कॉलेज के ग्रुप में बच्चों मैसेज किया करो सर को और बताया करो कि सर जैन को ये फॉरवर्ड कर दें। फॉरवर्ड करने के बाद मैं आपको आपके आंसर्स आप तक पहुँचा दिया करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।